जितना बीवी खिलाई उतना और बढ़े। हाँ जी कौन से बाबा ने बोला? बोला होगा, अनुमान लगा के बोल दिया। अनुमान से नुकसान हो जाता है। बाबा का नाम क्यों लेते फिर? चार दरवाजे हैं। हाँ अच्छा, वो चार दरवाजे वो तो नेपाल की बात बताई। हाँ तो क्या हुआ? हाँ चार दरवाजे मैंने चार धाम है। हाँ। तो चार दरवाजे भी होंगे। बाबा शंकर जी को देश के हाँ शंकर जी को देश के खाल पर बिठाते हैं। शेर की खाल पर बिठाते हैं। हाँ वो शंकर जी को बिठाते हैं या शिव बाबा को बिठाते हैं? भूल गए, तुमने शंकर को शिव बाबा समझा था या शंकर समझा था? हैं? भक्ति मार्ग में हो अभी? पहले थे, अभी तो नहीं है। तो शेर कौन सा है और बैठा कौन है? वो शंकर है या शिव बाबा है? शिव बाबा है, आपको समझ में आ गया। और शेर कौन है? अरे त्रिमूर्ति में भी तो शेर दिखाते हैं, लेकिन बाबा ने बोला त्रिमूर्ति में शेर नहीं है, तीनों है, एक घोड़ा है, एक बकरी भी है। तो पूछने को रह गया क्या? नहीं आ गया। माना त्रिमूर्ति में बकरी के ऊपर शिव बाबा सवार होते कि नहीं? नहीं होते। और घोड़े के ऊपर? घोड़े के ऊपर भी शिव बाबा सवार नहीं होते, बाबा के रूप में, अम्मा के रूप में सवार होते। हैं? उनकी चाड़ी के चढ़ने का मतलब यह है कि कलयुग की पहले आयरन एज की सीढ़ी चढ़ेंगे या पहले ही पहले तत्व प्रधान स्टेज में पहुंच जाएंगे, तत्व की दुनिया में पहुंच जाएंगे। चढ़ना धीरे धीरे होगा, ये एकदम ऊंची स्टेज में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे होगा, ये उनकी चाड़ी हो गई। उतरते भी धीरे धीरे कलयुग अंत में। नेपाल भी भारत ही था पहले, अभी माओवादियों का राज्य हो गया, प्रजातंत्र राज्य हो गया, तब तक नेपाल में राजा का ही राज्य था, प्रजातंत्र राज्य नहीं था। माना पहले पहले नई दुनिया वालों की, नई दुनिया की पालना करने वालों का ही राज्य होता है सारी दुनिया में, और सबसे बाद का राज्य भी इनके हाथों में होता है।
नेपालियों के ही हाथ में होता और सात देशों में राजाई खलास हो जाती। एक और भी है ईशान कोण में, क्या वो कौन सा है? नेपाल के अलावा एक और भी ईशान कोण में है, सुना याद आया? कौन सा देश है? हैं? ईशान कोण में कौन से देवता को दिखाया है? हैं? शंकर को दिखाया है, जिसके लिए मुरली में बोला है बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। उस देश का नाम दिया है ब्रूटान। ब्रू माने भुकट ब्रकुटी और तान माने गुस्से में आके क्या करते हैं? ब्रकुटी तान देते हैं। का राज्य अभी भी चल रहा है भूटान में? राजा का राज्य चल रहा है या प्रजातंत्र है? हैं? अभी भी राजा का राज्य चल रहा है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, लेकिन राजा का राज्य है कायदे अनुसार राज्य। अभी भी दुनिया में कायदे का राज्य जो भगवान ने स्थापन किया था वो पूरा खत्म नहीं हुआ है। बड़े दुनिया के हर देश में राजा ही खत्म होके क्या स्थापन हो गया? प्रजातंत्र राज्य स्थापन हो गया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, बेकायदे राज्य स्थापन हो गया। राम का हाथ बाबा, शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो पहले पहले कितने बच्चे होते हैं? हैं? दो बच्चे होते हैं, दो होते हैं, हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई ये क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिकल में हुआ है तब बोलते हैं या हुआ ही नहीं तो कौन हुए? हैं? चार मुख्य धर्म हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। इन चारों की जो मुख्य बीज रूप आत्माएं हैं वो जैसे कि चार धाम हो गए। माता की बुद्धि उन्हीं चार दरवाजे में भटक रही है, एक एक दरवाजे में घुसते जाते हैं। पुजारी देखते हैं कि जिन्नी रख दी सोने की तो दूसरे दरवाजे में बाद में ले जाते, वहां भी जिन्नी रखी तो तीसरे दरवाजे में ले जाते, ऐसे एक एक करके दरवाजा बदलते जाते। क्या मतलब हुआ? है? मतलब कोई भगत ही नहीं है, वो पहले एक के चक्कर में फंसती है। फिर दूसरे के चक्कर में फंसती है, फिर तीसरा पंडा पुजारी आता है, फिर लास्ट में जो सच्चा दरबार है सत्यनारायण की जिसकी कथा है वो तो लास्ट में भटक भटक के मिलता है। और अमरनाथ में 12 शिवलिंग वाले 12 फुट बढ़ गए वहाँ है, 12 फुट बढ़ गए। 12 क्या हुआ? 12 फुट। हाँ, 12 फुट लंबा बन गया। अच्छा, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और बर्फ का बनना चाहिए या लोहे के लाल गोले का बनना चाहिए? हाँ?
बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए तो बन गया, अच्छा हुआ। बीच में तो सुना गया था कि बर्फ का लिंग उड़ ही गया, बर्फ का लिंग बनना ही बंद हो गया। बर्फ का लिंग बनने का मतलब क्या है, है? इंद्रियां शीतल हो जाना, इंद्रियों में गर्मी रहती है तो ज्यादा दुखदाई हो जाती है, इंद्रियां शीतल हो जाती है तो दुखदाई या सुखदाई, सुखदाई होती है। पांडवों के अंदर यादगार, क्या पांडवों की यादगार? पश्चिम मार्ग वाले खोजते निकले। आप अपनी भाषा में बोलिए, कोई समझ ले तो हम भी समझ लें। हिंदी भाषा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, हिंदी भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन समझ में तो नहीं आ रही आपकी बात। अब कोई कोई ने समझा हो तो बताओ। समाचार वाले जो है उनको तलाश कर रहे हैं, अखबार वाले। क्या क्या तलाश कर रहे हैं? कहाँ थे, कहाँ तलाश कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र के सरस्वती नदी उत्तराखंड। हाँ, तलाश किया है तो प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया कि पांडव थे उत्तरकाशी में। अच्छा, तो अब यहाँ तो बेकार है बैठना। अगर वहाँ प्रूफ हो गया तो यहाँ बैठना बेकार है ना। अगर कैलाश पर्वत पर भगवान मिल गया तो यहाँ बैठना तो बिल्कुल बेकार। स्टेज है, स्टेज है, स्टेज है। तो जहाँ स्टेज है वहाँ अखबार वालों को प्रूफ मिलना चाहिए ना। कहाँ मिल गए? आपने कहाँ साबित किया? आप तो उनकी बातों से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में मिल गए पांडव, प्रूफ मिल गया। किलोमीटर ऊंचाई में तीन कुत्ता मिले, पांडव मिले तीन कुत्ता, एक के तीन हो गए। ओहो, वो दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो ही कुत्ता मिल गए होंगे। आपने कुत्ते पहचान लिए? पहचान नहीं पाए? अरे तो गलत कुत्ते मिल गए, बर्फ के लिंग वाला कुत्ता नहीं मिला होगा। कौन प्रकृति सत्व प्रदान होती है? हाँ, प्रकृति, प्रकृति जो है वो प्रकृति सत्व में बनाएगी या संगम में पहले बनाएगी? आपकी प्रकृति, आपकी प्रकृति चैतन्य है या आपकी प्रकृति प्रकृति जड़ है? आपकी चैतन्य प्रकृति जो नई दुनिया बनाएगी वो सतयुग में बनाएगी या संगम युग में बनाएगी? आपकी चैतन्य प्रकृति जब सत्व प्रधान बनेगी तो संगम युग में नई दुनिया का महल माणिया तैयार करेगी। हमारी प्रकृति अभी खराब है, भाव स्वभाव संस्कार खराब है, तो खराब भाव स्वभाव संस्कार होने के कारण जो हम संगठन बनाना चाहते हैं, आओ आओ गीता पाठशाला में रोज आओ, खाता कोई नहीं। फिर शिकायत करते हैं गीता पाठशाला में कोई आते ही नहीं। जब बाबा आते हैं संगठन कराने के लिए तो उस महासंगठन में उन लोगों को बुलाएं या नहीं बुलाएं जो गीता में गीता पाठशाला में आते ही नहीं? नहीं बुलाएं? अरे वो नहीं आते हैं तो गलती किसकी है? गीता पाठशाला वालों की गलती है या ना आने वालों की गलती है? अरे संगठन का किला तभी ही बनेगा जब हमारा भाव स्वभाव संगठन बनाने योग्य होगा। जनता पार्टी में कमी कौन सी बताई थी? एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, बुलाएंगे
क्लास करने के लिए आओ, नाक रगड़ो, किसी को क्या पड़े नाक रगड़ने की। यहाँ तो हर बात में सहनशीलता चाहिए। जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ रहता है या सर ऊंचा करके रहता है? झुका हुआ होता है। संगठन अपने आप बनेगा। जो मंत्र देते हैं वो बताते नहीं। यहाँ के जो गुरु हैं बेसिक में वो कान में फूंकते हैं या तुमको बताते हैं? जो ग्लानी का विष है कान में फूंकते हैं वो तुमको बताते हैं कि हमने ऐसे मंत्र फूंका इनके कान में? बताते हैं तो कहाँ की बात है, है? जानते तो सब पूछते हो। तो गुरु ने तुम्हारे कान में मंत्र फूंका नहीं क्या? वो बताते नहीं है, उनके शिष्य जो होते हैं ना। नहीं, तुम्हारे कान में डायरेक्ट फूंका कि नहीं? आओ तुमसे तुमसे कहा कि किसी को बताना नहीं? वो नहीं बताते, उनके जो शिष्य है वो बताते। हाँ, तुमने अनुभव क्या किया? ऐसे क्यों नहीं बताते? तुम्हारे कान में किसी ने फूका कि नहीं? ग्लानी का मंत्र नहीं फूका है? फूका हर वाले बोलते हैं। हाँ जी, है माउंट आबू में जगह लेना है। बहुत पैसे हैं आपके पास क्या? ये तो उनके लिए बताया जिनके पास बहुत पैसे हैं, सोचते हैं कि बैंक के फेल हो जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनियां भी बाबा ने बताया फेल हो जाएगी, न देने वाले रहेंगे और न लेने वाले रहेंगे, कंपनियां सब फेल होने वाली है, आज भी फेल हो रही है, बाबा खुद चप्पे में फंसे हुए हैं कंपनी फेल होने से, तो कहाँ डाले? तो जिनके पास अकूत धन है, बाल बच्चों के पोषण से, अपने खाने पीने से अलावा पड़ा रहने वाला, वो माउंट आबू में लगा दे। जब तक दुनिया खलास होगी तब तक वो बढ़ता रहेगा, घटेगा? घटेगा नहीं। इच्छा हो तब बाबा के काम में लगाना, नहीं इच्छा हो तो उसको खुद यूज करना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? कोई भी माता ऐसा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे बाबा है? कोई भी माता है कि क्या बोलते, ताकत नहीं है ना एकदम 25,000 भरने की, ये नहीं। अरे तो किसने कहा, पहले अपने बाल बच्चों का पोषण करो, खुद खाना पीना करो, ये तो उनके लिए है जिनके पास अकूत धन है। नहीं बाबा, कोई फालतू पड़ा हुआ है इधर उधर, चिंता होती है ये कहाँ लगाए। नहीं नहीं बाबा, हाँ कोई भी माता ऐसी है कि हम समझो ग्रुप ग्रुप में 5,000 लगाए, जिनके पास 5,000 है और बच्चे भी हैं पालने के लिए, बोले ये सब धंधा करने की दरकार है? ग्रुप से ले सकते हैं क्या? हैं? ग्रुप से? बाबा ने कभी चंदा करने के लिए भक्ति मार्ग में बताया या चंदा करना ज्ञान मार्ग की बात बताई? नहीं, नहीं बाबा, चंदा तो भीख मांगना होता है। वो अपना जैसे लेना चाहे वैसे ले, कोई मना थोड़े ही, झगड़ा ना हो बाबा बाद में, तू और मैं नहीं आना चाहिए बाबा के पास। और Thank you.
सुख और भगवान को कहा जाता है सुखदाता, आनंददाता। ये टाइटल सुख का सागर, आनंद का सागर, ये टाइटल कोई मनुष्य मात्र को दिया जा सकता है या नहीं है? आनंद का सागर, सुख का सागर, ये टाइटल मनुष्य का है या भगवान का है? भगवान का ये टाइटल है। और भगवान प्रैक्टिकल में आता है या सिर्फ हवा में बोलने की बात है? सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। और बात समझ में आई? अरे बोलो बोलो है? बुढ़ों का सागर। शिव बाबा के तो कितने 32 गुण दिखाई दिए भक्ति में, वैदिक वालों ने कितने गुण दिखाई दिए? 32 गुण। लेकिन वो निराकार के दिखाए, वो निराकार का समझते हैं या साकार के है? जो निराकार के समझ लिए क्या एक ही बात तो है। पवित्रता अपवित्रता के सामने झुकती है, अपवित्रता पवित्रता के सामने झुकती है। जब खींच लिया आप वहाँ बैठे हैं, आपसे हमारी लड़ाई है क्या? भक्तों की और ज्ञानियों की, भक्त की और ज्ञानी की लड़ाई है कि नहीं? और भक्त को भगवान ने खींच लिया तो झुकना हुआ या नहीं हुआ? भक्त अपवित्र हो गए। अरे अपवित्र हैं तो क्या पवित्र होते हैं? उन्हें पवित्रता का रास्ता मालूम है? भक्त पतित होते हैं या पावन होते हैं? है? माथा झुकाना मन पतित है तब तो माथा झुकाते हैं। बड़े बड़े राजा हैं, माथा झुकाते हैं कि नहीं है? झुकाते हैं किसके सामने? उन्हें कहाँ भगवान मिल जाता है जो उसके सामने माथा झुका लेते हैं है? अरे कोई राजा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जिसको भगवान मिल गया हो उसके सामने माथा झुका दिया हो? किसके सामने माथा झुकाते हैं? अपने से जो ज्यादा पवित्र उसके सामने। हाँ, गुरुओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने माथा झुकाते हैं, राजगुरु बनाते हैं, एक एक बात उस राजगुरु से पूछ पूछ करके करते हैं। तो पवित्रता कभी झुकती नहीं, अपवित्रता को झुकना पड़ता है। खींचती है पवित्रता, खींचती है अभी भी इस ब्राह्मण परिवार में जो पवित्र आत्माएं बनती जाएंगी, अपवित्र आत्माओं को उनके सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग के लिए मुरली में ये बात बोली हुई है क्या कि अपवित्र राजाएं पवित्र देवताओं के सामने माथा झुकाते हैं? वो बात सारी संगयुग में टैली करना है। यहाँ भी ऐसा स्पष्ट देखने में आएगा और अभी भी ऐसा है। सरला को कहाँ का बात ही बताया क्यों? हाँ तो वहाँ तो नई नई खानियाँ मिलेंगी। हाँ वो नई खानियाँ
स्थूल सोने की बात समझ ली, स्थूल हीरो की बात समझ ली, या चैतन्य हीरे और सोने जैसी आत्माएं भी होती है सच्ची? तो वो अच्छे बच्चे तुमको नहीं मिलेंगे, जैसे आज मिल रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे, या फर्स्ट क्लास? हाँ, खानियां मिलेंगी, संगठन के संगठन मिलेंगे। और कोई खानी है? पूरा संगठन बड़ा मिल जाए और सब सच्चे हो तो खानी है हमारे लिए, या उसको क्या कहेंगे? हमें खान मिल गई। अभी तो बाबा बच्चों को ढूंढ रहे हैं, धन देने वाले मिल जाते हैं, तन देने वाले मिल जाते हैं, समर्पण होने वाले मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल के सच्चे बच्चे बाबा को नहीं मिल रहे। कहते हैं सिर्फ, कागज पर लिख करके देते हैं, खून से भी लिख के देते हैं, तन मन धन सब तेरा। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। मधुबन वासी कृष्ण है, मधुबन में मुरलिया बाजे, वो कृष्ण मुरलिया बजाता है। अरे वृंदावन वासी भी बोलते हैं, कौन सी तीन बातें? बाबा तो आने के बाद ही ये सब होता है ना। और क्या, जो कृष्ण जो है नाम उन्होंने लिया हुआ है कृष्ण भगवान, तो हमें कृष्ण भगवान समझना चाहिए या शिव बाबा भगवान समझना चाहिए? उन्होंने तो नाम ही झूठा डाल दिया है गीता में, गीता में डाल दिया है तो भागवत में डाल दिया है। भागवत पढ़ पढ़ के उन्होंने वो वृंदावन बनाई दिया, भागवत पढ़ पढ़ के उन्होंने वो झूठा मधुबन बनाई दिया आर्टिफिशियल। लेकिन है कहाँ की बात? संगम युग की बात है। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, ब्राह्मण तो देवता है, संपूर्ण ब्राह्मण देवता की पूजा करेगा? अभी भी जो है यहाँ अच्छे अच्छे ज्ञानी तू आत्मा ब्राह्मण बच्चे हैं, जो जानते हैं कि देवताओं की दुनिया में कोई राक्षस नहीं होते और राक्षसों की दुनिया में कोई देवता नहीं होते, वो पूजा करेंगे? भक्ति मार्ग के ब्राह्मणों का धंधा है या ज्ञान मार्ग के ब्राह्मणों का धंधा है? कौन से ब्राह्मणों का धंधा है? भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हैं, यहाँ जो भक्ति मार्ग के ब्राह्मण जो है देवताओं की पूजा करते हैं, तो यहाँ हम किसको याद करें? ऊंच के ऊंच कौन है? हैं? ब्राह्मण होते हैं? ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। वो क्या है, कछुए का अवतार लिया कि नहीं लिया भक्ति मार्ग में? है तो कोई कछुए की तरह पार्ट बजाने वाली भी आत्मा होगी या नहीं होगी, कि लोगों को देखने में आवे कि जब चाहे तब इंद्रियों को समेट के बैठी हुई दिखाई पड़े? क्यों कछुआ हमेशा समेट के बैठेगा या जब कोई देखेगा सब भाग गए तो क्या करेगा? अपनी इंद्रियां बाहर निकाल लेगा? तो भगवान जान ऐसे जानवरों में प्रवेश करता है या मनुष्य में प्रवेश करता है?
हाँ जी हाँ तो पता नहीं सब दुर्योधन तो शासन पुरुष होते हैं कि स्त्री होती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा नहीं, स्वीकार नहीं कर रहे, आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है हम दुर्योधन तो शासन हैं। अच्छा जैन मुनि जो होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं क्या? जैन मुनि क्या करते हैं? अपनी दाढ़ी मूछ के सारे बाल या जहाँ कहीं भी बाल होंगे और सारे बालों को खोड़ एक एक करके नोच नोच के उखाड़ देते हैं, तो उससे क्या निर्विकारी बन जाते हैं? हैं? बाल उड़ाए देने से निर्विकारी बन जाएंगे क्या? अरे कुछ थोड़ी तो मूछ रखो कम से कम, देख दूसरों को गलत फहमी भी ना हो जाए। तिरुपति नाम किसका पड़ा है? है वेंकटेश स्वामी कौन है? बाबा की यादगार है ना, तो शंकर सबका माथा मुड़ लेता है कि नहीं मुड़ लेता है? जो मंदिर में आवेगा वो तो माथा मुड़ करके जावेगा, तन मन धन सब तेरा, तो माथा मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? होशियार रहना, चक्करी में नहीं आ जाना। जो है वो अभी मनुष्य आत्मा जो है वो में मनुष्य बनते ये भी अभी बात मानती नहीं है। कौन अभी जो परसों टीवी पे लगा था नेशनल न्यूज में उनको उन्होंने था, तो वो घर में आ गया, घर में आने के बाद उसने दीदी को लाना था, तो वो दीदी से मिला, दीदी को बोला दीदी मेरी बीवी तो बहुत पूजा वगैरह करती है, तो वो मेरे को हर जन्म में जाती है, मतलब चौबीस जिला मैं उसका ही पति बनी, तो मैं तो एकदम पापी आत्मा हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, तो मैं तो अगले जन्म में जो राक्षस बनूंगा, वो तो पूजा वगैरह राक्षस ही तो मनुष्य होता है। वो क्या बोला दीदी, क्या बोली कि जो माता है उसको अपनी मर्जी से पति मिलेगा और तुम यही बनोगे पशु बनोगे, पशु बनोगे मतलब या जानवर बनोगे? मतलब बताओ पहले अच्छी तरह से, उनकी सीढ़ी को ध्यान से सुनो, ऐसे ही उसको बदनाम नहीं करो। हाँ तो वो सीढ़ी और दूसरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दिखाओ हैं, और फिर उसके बाद उनकी पुरानी किताबें दिखाओ जिसमें कहा मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, और तुम सर्विस करो। ये तो बदलने वाले मोड़े हैं, और शिव बाबा तो मोड़ा बदलता नहीं है, एक मुख से एक ही बात करता है, तो बताओ कौन सच्चा, बात बदलने वाला सच्चा या जो शिव बाबा एक ही माल बेचता है एक ही दाम में, वो सच्चा? राधा कृष्ण जुड़वा बच्चे है, राधा कृष्ण जुड़वा बच्चे है, उसके बाद राधा थोड़ी समय के बाद जन्म है, राधा कृष्ण जुड़वा बच्चे है, थोड़े टाइम काय के लिए माना माना विधवा बनेंगे क्या?
वहाँ विदुर बनता है। जब कोई पहले मर जाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा, है? हाँ जन्म, अगर पहले मर जाएगा कोई, पहले मर जाएगा, पहले जन्म लेगा, 10-5 दिन बाद में मरेगा, तो जो साथी है उसको दुख होगा या नहीं होगा? विधवा या विदुर बनेगा कि नहीं बनेगा? सत्य में विधवा विदुर बनते हैं क्या? नहीं, एक साथ ही जन्म है, एक साथ ही जन्म, साथ ही साथ जन्म और साथ ही साथ मृत्यु, वहाँ दुख का नाम निशान होता ही नहीं। एक दो मिनट का भी थोड़ा तो अंतर होगा, क्योंकि बच्ची पहले पैदा होगी या बाद में पैदा होगी? है, बच्ची बाद में पैदा होगी, तो 1 सेकंड का अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 1 सेकंड का तो अंतर होना चाहिए। नहीं, दुनिया बनानी पड़ेगी, मदद नहीं करेंगे। ठीक है, हिम्मत बच्चे मदद है। बोल दिया क्या, जितना मरेंगे उतना मदद करूँगा, मरेंगे नहीं तो मदद भी नहीं करूँगा, मर जाओ। जो 100 साल की आयु के बाद उनकी जो यात्रा चली जाती है, सब की चली जाती है क्या? जो हमारे घर में एक सदस्य था, उनकी जो 100 साल की उम्र जो यात्रा चली है, बाद में उन्होंने कभी बच्चा हो गया। मैंने इंद्रियां जो है वो शिथिल होती जाती है। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? मन। जब और इंद्रियां साथ नहीं देती है तो अकेला मन भी क्या करेगा, वो भी साथ छोड़ देता है। हाँ जी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। रूस में तो मोस्टली लोगों की आयु 100 साल से ऊपर होती है। क्योंकि लास्ट की जनरेशन है, सतो प्रधान आत्माएं परम धाम से उतर रही है, इसलिए उनकी उम्र जागती होती है। माँ भी बहुत संबंध हो जाए तो दुखदाई दुनिया हो जाएगी या सुखदाई हो जाएगी? बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं यहाँ, है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर कोई दूसरा है तो वो भी भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, सब संबंध खलास करा देते हैं। 8 में 21 भूल गए क्या? थोड़ा त्रेता में क्या बना लिया? त्रेता में कोई नई बात बना ली क्या? तो वो सत्युग में नहीं बढ़ती है क्या? 2 करोड़ के 2 करोड़ ही रहेंगे, 9 लाख के 9 लाख ही रहेंगे क्या? 10 करोड़ त्रेता के अंत में, लेकिन सत्युग में आबादी नहीं बढ़ती है क्या? 2 करोड़, हाँ, 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ हो जाएगी। हाँ जी, कोई आत्मा क्यों नहीं, अभी भी उतर रही है। देख, हर धर्म की आत्मा अंत तक उतरती रहती है, हैं? निर्विकारी नहीं कहेंगे, औरों के मुकाबले निर्विकारी कहेंगे। और
ताकि लोग टैली करें, ये तो जैसे देवता है, मनुष्य नहीं है, राक्षस होने की तो बात ही नहीं, इसका भाव स्वभाव संस्कार तो जैसे देवता है। ऐसा दिखाई देता है जब 50 साल की आयु उम्र हो जाती है, कर्म को दुख बढ़ जाता है, क्या कारण? इंद्रियां शिथिल होंगी, आत्मा शरीर के सुख भोगते भोगते कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? कमजोर बनेगी। जब आत्मा बीज ही कमजोर बनता है तो तामसी स्टेज आ जाएगी ना, और तामसी स्टेज जहाँ आएगी वहाँ दुखी होगा या सुख होगा? आत्मा में शक्ति होगी तो इंद्रियों से सुख भोग सकेंगे, आत्मा में ही शक्ति नहीं है तो इंद्रियां भी शिथिल और सुख नहीं भोग सकते। सुख भोगने के लिए शक्ति चाहिए। बाबा, संपूर्ण बनना और पावन करना है, संपूर्ण माने ही पावन। हाँ जी, नंबरवार ही संपूर्ण बनते हैं, नंबरवार ही पावन बनते हैं। एक जैसी पावन कैटेगरी दूसरे की हो नहीं सकती। नाम नहीं लिया है ब्रह्मा का 50 साल कम, लेकिन बोला है कोई के 50 साल भी कम हो जाएंगे। बोल दिया आत्मा हो कि एक आत्मा थोड़ी होगी? मैंने संपन्न बनने के लिए भी हो सकता है कि ब्रह्मा की सोल 50 साल जब पूरे होते हैं सूक्ष्म शरीर के तो क्या बन जाती है? साकारी स्टेज में संपूर्ण बन जाती है। अभी अभी दुनिया का अंत हो गया क्या? अभी दिखाई पड़ते हैं, अभी जो दुनिया है वो रौरव नरक है या इससे जाती और नरक बन रही है? अभी तो और नरक सामने आवेगा, बंदरों की दुनिया दिखाई पड़ेगी। अभी तो फिर भी मनुष्यता दिखाई पड़ती है। जो साउथ में चित्तूर जिले में आमा भवन करते है ना, है साउथ में बहुत सारी पुलिस क्या जाती है कल्की भगवान करते हैं, कहलाने से हो जाता है? तो ऐसे साधु संत महात्मा क्या दुनिया में हुए नहीं है? जो बोल देते हैं तो दूर हो जाते हैं, उनसे जाकर के सामने कहो कि हमें स्वर्ग दे दो तो दे देंगे, हा? नहीं देंगे तो भगवान गाएंगे। अरे अवतार एक होता है या अनेक होते हैं? नरक को स्वर्ग बनाने वाला अवतार एक होगा या ढेर होंगे? शुद्र बुद्धि आत्माएं जो होती है वो छोटे छोटे टिकनों तिनकों को आधार बनाए लेती है। अब ऐसे कहने थे कि वो जो भगवान देते हैं वो जल कष्ट हो जाए, तुमने क्या भगवान समझा? तुमने भगवान समझ लिया क्या उनको? दुख दूर करते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन गए, बन गई?
कोई एक घर में स्वर्ग बन गया, जिनके दुख दूर कर दिए उनके घर में स्वर्ग बन गया, तो फिर भगवान गाएंगे। इसलिए वो मनुष्य आत्माएं हैं, वो हिरण्यकश्यप है जो अपने को भगवान कहते हैं। सूखा चना है, खाली घड़ा है, और दूसरों से लेते हैं तब देते हैं। भगवान तो किसी से लेने की इच्छा नहीं करता। बाबा उनके द्वारा भक्ति का पाठ भी पूरा होता है, बहुत भक्ति करते हैं उनके वहाँ। बाबा यहाँ पता है कि उनका भक्ति का पाठ पूरा होता है, वो ध्यान में आ जाएंगे। उनके द्वारा अनेक आत्माओं की भक्ति भी पूरी होती है। तो भक्ति तमो प्रधान पूरी हो रही है या तत्व प्रधान भक्ति पूरी हो रही है? वो कौन सी भक्ति को पूरा करने के निमित्त बनते हैं? तमो प्रधान भक्ति को पूरा कराने के निमित्त बनते हैं। तो तमो प्रधान भक्त बनेंगे तो तमो प्रधान ज्ञानी बनेंगे। एक से सुनेंगे अनेकों से सुनेंगे, अनेकों से सुनने वाले बन जाएंगे। तमो प्रधान ज्ञानी बनेंगे तो तमो प्रधान दुनिया में जाएंगे। सचिव के पहले जन्म में थोड़े ही जाएंगे, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो गुरुओं की भक्ति करने से फायदा हुआ या घाटा हुआ? ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। तीर्थों में जाते हैं फिर वहां से लौट के आते हैं। तीर्थों में जाते हैं तो पतित नहीं बनते हैं? पहले भी बनते थे। जो धक्का खाएगा उसकी शक्ति क्षीर होगी या नहीं होगी? वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी होगा या नहीं होगा? उतना ही टाइम मनी और एनर्जी अगर ईश्वरीय ज्ञान में लगा दे तो प्राप्ति कितनी हो जाएगी? और मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा तो अलग। भगवान जितना उजूरा देता है उतना तो और कोई उजूरा दे भी नहीं सकता। लोग मनुष्यों की सेवा करते हैं और कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं। ज्यादा वेतन किनको मिलता है? है प्रत्यक्ष मिलता है या इनडायरेक्ट मिलता है? तो बताने दो। है चलो मिलता है, है? मिलता है। अभी जिन्होंने तन मन धन अर्पण कर दिया 75 से पहले उनको मिला? उनको उतना वापस मिल गया क्या? फिर तो भगवान प्रत्यक्ष देता है या अप्रत्यक्ष देता है? मैंने इनडायरेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं देता है। हाँ, लास्ट में जब विनाश होगा तो ऐसा टाइम भी आएगा कि जिन्होंने जितना दिया है वो भी उनका वापस कर देंगे और फिर 21 जन्म के लिए इंटरेस्ट भी दे देंगे। भगवान किसी का लेता नहीं है, लेकर नहीं जाता है। और भगवान जिस तन में आता है वो भी किसी से लेने वाले नहीं है। वो पुरुषार्थी आत्माएं हैं या दूसरों से लेने वाले हैं? ज्ञान में चलने वाले ज्ञान में चलने वाले मुरली में तो बोला है कर्ज मर्ज कहा जाता है, तो न कर्जा लेना है और न दूसरों को देना है। हैं?
हाँ तो एक तरफ फायदा देख लिया कि हमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और दूसरी तरफ उसने मार लिया तब क्या करेंगे, घाटा होगा या फायदा होगा? हाँ मैं ये बात नहीं समझ समझाओ, कोई नजदीक बैठा हो तो समझा दो। कर्जे की देने की बात कर रहे हैं आप, किसी को कर्जा दिया और वो लेकर के बैठ गया, इंश्योरेंस पॉलिसी जब बोल दिया मुरली में, आगे चल के ना इंश्योरेंस कंपनियां रहेंगी। भुज में विनाश हुआ गुजरात में 2001 में, भूकंप आया, इंश्योरेंस कंपनियां उड़ गई या रह गई? और सारी दुनिया में भी भूकंप आएंगे तो इंश्योरेंस कंपनियां तुमको देंगी क्या? बाबा हाँ ब्रह्मा को शंकर को बिठाया है, ब्रह्मा को शंकर जी को बिठाया है, बिठाया और विष्णु को खड़ा किया है, क्यों बिठाया? जो आप नए नए आए हैं क्या भट्टी करके क्या? नहीं बाबा। हाँ आप भट्टी करके कितने दिन से आए? कंपिल फरुखाबाद की भट्टी कब की थी? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, इसका मतलब रोज की जो वाणी है वो सुनते नहीं? रोज की वाणी नहीं सुनते, बाबा का गला मुफ्त कर लिया है। ये भरी सभा में टाइम वेस्ट न करके कोई बड़ी बहन से पूछ लिया करो, वो बता देगी, फिर भी बता देते हैं। क्योंकि आपको बाबा के मुंह से सुनने में शायद अच्छा ज्यादा लगता होगा। विष्णु को खड़ा इसलिए करते हैं कि विष्णु प्योरिटी के पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहता है, ब्रह्मा कभी कभी बैठ जाते हैं थक के, और शंकर जी भी उनको भी थकान होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा चढ़ता होगा। इसलिए विष्णु को सदैव पुरुषार्थ में खड़ा हुआ दिखाया गया है। पुरुषार्थ है ही मुख्य किस बात का? पवित्रता का पुरुषार्थ। एडवांस नॉलेज जब मिल जाएगा तो विष्णु उड़ेगा या हाई जंप मारेगा? हाई जंप मार जाएगा, अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। घाट में जो शंकर जी दिखाए है ना, घाट में जो शंकर जी दिखाया है ना, झाड़ के ऊपर है वो सेलिब्रेशन है ना, आत्माओं का सेलिब्रेशन है, अंदर की बात है और आदि की भी बात है ना। आज में सेलिब्रेट किया? नहीं नहीं, यानि शंकर जी का टाइम तो ही बात होगा। हाँ नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में ले जाते हैं ना, ले जाने वाला शिव बाप है या ले जाने वाला कोई और है? बाबा है। इसकी पर सदा कायम कोई चीज तो है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव बाप तो इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। सेल्वेज करना माने जैसे नाव पर बैठते हैं, खिवैया भी बैठता है, नवैया का मालिक भी बैठता है और उसमें बैठने वाले भी ढेर बैठते हैं, कौन पार लगाता है? खिवैया। ये भी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है, कि भैया बाप मिला हुआ है, निराकार है या सिर्फ साकार या साकार भी है? दोनों है। वो नैया को पार ले जाने वाला है, ये
भक्ति मार्ग में वो नैया गाई हुई है। क्या नाम गाया हुआ है? हैं? ज्ञान मार्ग में भी गाई हुई है, हैं? चंद्रकांत वेदांत जहाज, और भक्ति मार्ग में शंकर चाप जहाज, और दूसरे धर्मों में नानक चाप जहाज। हाँ जी, अमर लोग बाकी हो गए, ब्रह्मा बाबा अमर लोग बाकी हो गए। अरे 68 में, 69 में अमर लोग बाकी हो गए, या 76 में अमर लोग बाकी हो गए, या अभी भी नहीं हुए? 88 89 में अमर लोग बाकी हुए हैं? एक साल माउंट आबू गए नहीं। हाँ, माना वो आत्मा जब तत्व प्रधान स्टेज में गर्भ में आई, ज्ञान गर्भ में, तो ज्ञान गर्भ जो है वो ऐसा गर्भ है पीपल के पत्ते के ऊपर जो दुख नहीं भोगता। क्या इसी प्रकार का उसको गर्भ महल में दुख नहीं हो सकता, वो तत्व प्रधान स्टेज है। माउंट आबू अभी भी जाते हैं? आपको तकलीफ दे रहे हैं क्या? आपको तो फायदा हो रहा है ना, अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को तो नहीं मिलते। ठीक है, शरीर में प्रवेश करा के, शरीर में प्रवेश भी तो दो तरह से होता है, एक बीज रूप स्टेज में और एक सूक्ष्म शरीर से। क्या एक तो समान स्टेज में, जैसे राम वाली आत्मा बीज रूप स्टेज वाली है या सूक्ष्म शरीर वाली है? बीज रूप स्टेज वाली है, और उसके संग के रंग में ब्रह्मा की सोल भी क्या बन जाती है? बीज रूप स्टेज वाली बन जाती है। तो जब दोनों ही समान स्टेज वाले हैं तो सुख दुख समान ही भोगेंगे या कम ज्यादा भोगेंगे? हैं? समान है, ऐसे ही वहाँ भी है। वाह भाई वाह, तो बड़ी भारी कविता कर दी। हाँ फिर आगे हैं? ये मतलब बेमतलब की बातें करना अच्छी बात है या कोई मतलब की बात निकालना अच्छी बात है? आपने कैसे जाना ये मतलब की बात है? हैं? बाहर वालों की बातें व्यर्थ बातें होती है या शिव बाबा की बातें समर्थ बातें होती है? बाहर की बातों का आप चिंतन क्यों कर रहे हैं? वो तो शास्त्रों में भी नहीं है, जो बोला है वो कोई शास्त्र में है? शास्त्रों में भी नहीं है, शास्त्र फिर भी सत्व प्रधान स्टेज में द्वापर में लिखे गए। द्वापर युग की लिखी हुई कोई बात है तो उसमें फिर भी सच्चाई थी, उसका चिंतन करना अच्छी बात है। कोई भी बात हम उठाते हैं, चलो नाली में से भी कोई चीज उठाई जाए तो देखता है आदमी ये सोना है या हीरा है या नहीं है, ऐसे बुद्धि को फालतू चिंतन में डालना। राम वाली आत्मा तो वास्तव में घट घट में व्यापक हो जाती है, जब सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी तो निराकार को पहचानेंगे या साकार को पकड़ लेंगे? है? साकार को ही पकड़ के बैठ जाएंगे, सबकी बुद्धि में एक ही रमेगा, निराकार तो अभी भी याद नहीं आ रहा ज्ञानी तो आत्माओं को। सत्तर साल से ज्ञान में चल रहे अभी भी उनके लिए समस्या है, बिंदी को कैसे याद करें? साकार को तो झट पकड़ लेंगे, तो कौन सर्वव्यापी होगा? है?
कौन सर्वव्यापी होगा? साकार राम सर्वव्यापी सबकी बुद्धि में हो जाएगा। निराकार राम तो अच्छों को नहीं याद आ रहा है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को ही याद आएगा, उनके फॉलोअर्स को भी नहीं याद आएगा। कहते हैं निराकार निराकार। हिंदुओं में भी ऐसे बहुत हैं जो गाते रहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर बिनु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता अवर जोगी। बहुत बोलता है। पूछो कैसे, कोई जवाब नहीं। तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारे ऊपर जादू करती है कि नहीं? तुम्हारी बुद्धि घुमा देती है कि नहीं? तो जादूगर है ना। आ?